हमारे लिए। जी कैसा लगा? भोले प्रसन्न हुए, बम बम भोले। बोलो बालक, क्या मांगा? हम दे देंगे, बोलो। आप बस जो भी इस कैमरे से फोटो लें वो हमें जरूर दिखाइएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सबकी फोटो लीजिएगा, अंदर वालों की, बाहर वालों की, आने वालों की, जाने वालों की, विवान, हिमली, चकोर, और हाँ मिस रागनी की फोटो जरूर लीजिएगा। और वो बिल्ली, बिल्ली म्याँ, म्याँ। हमारे खिड़की में हमेशा बैठी रहती है, उसकी फोटो खींचिए। बिल्कुल कमल नारायण जी, आप कुत्ते बिल्ली सबकी फोटो लीजिए, कैमरा ऐसा है कि हजारों फोटो आ सकती हैं। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। क्या क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम इंस्पेक्टर अजय है। वो तो अच्छा हुआ कि समय पर सूरज आ गया और उसने हमें बचा लिया, वरना आज तो हम ऊपर चले गए होते। अच्छा तो सूरज आपको लखनऊ में मिल गया था? उसका मतलब आपकी और सूरज की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई? जी हम और सूरज जी हम और सूरज कभी एक नहीं हो सकते। वो फिर से हमसे झगड़ा करके चला गया। अच्छा तो इसका मतलब आप दोनों लखनऊ से एक साथ वापस नहीं आए? नहीं, क्यों? आपने ऐसा कुछ सुना हमारे बारे में? नहीं, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे। आप जीप की चाबी चाहिए थी, इंस्पेक्टर पवन ने मंगवाई। इंस्पेक्टर पवन, ये कौन है? तब आपको बहुत याद करते हैं। ये नया इंस्पेक्टर खाने के सिवा और कुछ करता ही नहीं। नया इंस्पेक्टर? हमारा ट्रांसफर हो गया मिस्टर कुर। हमारी जगह जो नया इंस्पेक्टर आया है उसका नाम इंस्पेक्टर पवन। मगर ये कैसे हो सकता है? रागनी जी की मेहरबानी, वो यहाँ की महारानी है, कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, हम आपका ट्रांसफर नहीं होने देंगे। हम बहुत ही बदनाम है मिस्टर कुर, कोई भी थाना हमें ज्यादा देर नहीं रख सकता, हमारा ट्रांसफर कोई नहीं रोक सकता। हम कोई वही नहीं है इंस्पेक्टर अजय, हम आपका ट्रांसफर रुकवा सकते हैं। सही कहा आपने मिस्टर कुर, आप सच में कोई वही नहीं। मिर्ची पानी, मिर्ची तुमने जानबूझकर हमें मिर्ची खिला दी ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चकोरिया क्या कर रही है तू? कहाँ है, क्या कर रही हो? हर बात पे इतना अल्लाह क्यों करने लग जाती हो? चिल्ला क्यों रही हो तुम? एक तरफ तो खुद ही कह रही हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में, और दूसरी तरफ ऐसे चिल्ला के सबके सामने ला रही हो कि हम दोनों साथ में आ गए। अरे का हुई गवा बचवा, हम आ रहे हैं, जवाब तो दे, कहाँ है? अब नहीं माए, वो हमारी कान में एक मच्छर चला गया था, बस इसीलिए हम आते माए। जंगली बिल्ली कहीं की, फिर से काट लिया ना हमें। चुप, बिल्कुल चुप। अभी तो हमसे कह रहे थे कि कोई सुन लेगा, खुद ही चिल्ला रहे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो, रागनी ने इंस्पेक्टर अजय का ट्रांसफर करा दिया। अगर इंस्पेक्टर अजय यहाँ से चले गए ना, तो रागनी और विवान की गन फैक्ट्री बंद करवाने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें इंस्पेक्टर अजय का ट्रांसफर रुकवाना है और तुम्हें हमारी मदद करनी, समझे? समझे, सब समझ गए हम। ये बात है, सब समझ गए हम। तो यहाँ पे हमें प्यार करने के लिए नहीं, काम लेने के लिए बुलाया है। इंस्पेक्टर के बच्चे के लिए, जो हमेशा हमारी पत्नी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। सूरज, ये इंस्पेक्टर अजय को बीच में लाना बंद कर। देखो, अगर हम इंस्पेक्टर अजय और इमली की बात करते रहे तो हमारे संबंध कभी ठीक नहीं होंगे। वो इमली तो आज इमली? क्या हुआ इमली को? बोलो सूरज, क्या आप हमसे ब्याह करेंगे कि नहीं? नहीं, अगर हमने इमली की ब्याह वाली बात चकोर को बता दी तो ये तो उसका मर्डर ही कर देगी।
नहीं भाई, इमली का पुराना डंडा, विवान विवान हमसे रूठे हुए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, शराब पीने लगे हैं, वही सब बातें कर रही थी। शराब तो आप भी नहीं पिएंगे। सूरज 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 रुको, सूरज रुको। देखो इमली, तुम जो हमसे कह रही हो हम वो नहीं कर सकते, हम तुमसे ब्याह नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी बोलो मत हमें। सूरज ब्याह तो हम भी आपसे नहीं करना चाहते। क्या सूरज, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम इतनी सारी बकवास कर रहे थे आकर, पर सच मानो तो हम भी आपसे ब्याह नहीं करना चाहते। विवान को 3 लड़कियों के साथ देखकर हमका बहुत बुरा लगा, हमारा माथा फिर गया, इसीलिए आजकल हम वैसे ही बहुत चिड़े चिड़े से रहते, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है हमका, पर यही सच है कि हम आपसे ब्याह नहीं करना चाहते। वो तो ये बात है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। आओ यहां बैठो। वैसे गलती हमारी भी है, हमें समझना चाहिए ना, तुम एक लड़की हो और लड़कियों का क्या है, किसी का गुस्सा किसी पे भी उतार सकती हूँ। दरअसल ये जो बिंदी होती है ना तुम लोगों के माथे पर लाल वाली, ये बिंदी नहीं होती, ये रिकॉर्ड का बटन होता है, सब कुछ रिकॉर्ड करते हो तुम लोग, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होता कि प्ले कहाँ करना है, कहीं भी प्ले कर देते हो। पर इमली तुम तो जानती हो ना, झूठ सब झूठ, एकदम झूठ, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब झूठे हैं, पाखंडी है। तुम लोगों की झूठ को हम इस कैमरे में कैद करेंगे। सबकी तस्वीर खींचेंगे इस कमरे की। तुम्हारी तस्वीर खींचे हैं? है? चलो खींचते हैं तुम्हारी। ए, ए, आ, आ। अरे तुम तो गर्भवती हो, पेट से हो, चलो तुम्हारे पेट का भी फोटो निकाल लेते हैं। चलो 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 चलो। ये क्या करें? कैमरा कहाँ छीन रहे हो भाई? ये हमारा कैमरा है। हम सब की तस्वीर खींचेंगे, सभी को इस कैमरे में कैद करेंगे। तुरंत उन्होंने हम दोनों की तस्वीर खींच ली, अगर विवान देख लेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, रोको ना उन्हें। बस हो गया। क्या क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हैं कमल जी, आधे घंटे से आपसे एक फोटो नहीं खींच रहे, हमारी फोटो खींचेंगे इस गोभी की? गोभी नीचे मत रखिए, गोभी उठाइए उठाइए, हाँ ऐसे रखिए ऐसे रखिए ऐसे रखिए। चलिए आपकी तस्वीर इस कैमरे में कैद हो गई, जाइए, बहुत लोगों की तस्वीर खींचनी है हमें, जाइए जाइए। आ गए ये भी, आया हो, आपकी भी तस्वीर खींचते हैं और आपके इस फोन की भी। चलिए चलिए इधर देखिए ये। ये क्या कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, आपको दिखाई नहीं दे रहा हम फोन पे बात कर रहे हैं, जाइए नहीं तो कैमरा तोड़ देंगे आपका। कैमरा तोड़ देंगे? ओए क्या कैमरा तोड़ देंगे? ये भोले की तीसरी आंख है, खोल दे, भस्म कर देंगे हम। अरे बंद कीजिए नाटक और जाइए। पागल आदमी, तूने भोले को क्रोधित कर दिया है, सच में भस्म कर देंगे, हमें पागल कह रहे हैं। आपके साथ वो लड़की घूमती है ना, क्या नाम है उसका? अरे दुबली पतली सी लड़की, कहाँ वो? क्या नाम क्या है उसका? रागिनी, रागिनी, रागिनी का पता लगाना होगा वरना हमारा काम अधूरा रह जाएगा। कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? ये कैमरा किसने दिया? कैमरा किसी ने तोहफे में दिया है हमें। और काम तस्वीर खींचेंगे इस कैमरे से, तस्वीर खींचेंगे। आपने देखा है रागिनी को कहीं? देखा है? हम कहां से देखेंगे और हमें क्या पता रागिनी का है? आप एक काम कीजिए, जब तक रागिनी नहीं मिलती है बस्ती वालों की फोटो खींचिए, जाइए।
अरे वाह, ये अच्छी बात कही आपने। बम बम भोले, हम हैं भोले, हम बम भोले। अरे थर 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 वही 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 ऐसे ऐसे आ भोले की तीसरी आंख। अरे ये तो रागिनी की गाड़ी है।